नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज का लेक्चर नंबर 16 है। मैं राकेश सवानी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में कि वक्री ग्रह क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था एग्जाम्पल के साथ कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं चलता, उल्टा नहीं चलता है, सिर्फ हमको चलता हुआ रिलेटिव वेलोसिटी की स्पीड की वजह से उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है या आभास होता है, हमको ग्रह उल्टा चल रहा है। उस वीडियो के अंदर ये तो हम समझ गए, लेकिन अब इसमें कि जो रिट्रोग्रेड प्लैनेट किसी कुंडली के अंदर है तो उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे उस इंसान के जीवन पर, इस बारे में डिफरेंट डिफरेंट ग्रंथों में मिलता तो है उल्लेख, लेकिन सब जगह कुछ अलग अलग उल्लेख मिलता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हो उसकी या प्रॉपर कोई लॉजिक हो जिससे हमें ये मालूम चले कि ग्रह अगर किसी की कुंडली में वक्री है तो उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। मैं आपको कुछ अपना भी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको 3-4 मेन हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है वक्री ग्रह के बारे में। आप भी उनको टेस्ट करके देखिए, हो सकता है शायद आपको ठीक मिले कुछ कुंडलियों पे। मैंने भी कुछ किया है तो मुझे कुछ अलग रिजल्ट्स मिले हैं, तो वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। फल दीपिका में लिखा है कि कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाए, रिट्रोग्रेड हो जाए, तो पॉजिटिव बन जाता है। उनका कहना यह है कि सपोज कीजिए कोई ग्रह आपका ऐसा है जो नीच की राशि में है या नीच के नवांश में है, अगर वो रिट्रोग्रेड हो गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। और कोई ग्रह आपका ऐसा है जो उच्च की राशि में है या उच्च के नवांश में है तो वो आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा। तो किसी भी केस में, चाहे ग्रह नीच राशि में हो या ग्रह उच्च राशि में हो, वो रिजल्ट आपको हमेशा पॉजिटिव ही देगा। यह फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी ने कहा है। अब इसमें ये होने के बाद इसमें लेकिन सिर्फ कंडीशन एक है कि आपका ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य से, अदरवाइज वो ग्रह अगर उच्च राशि में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, अगर नीच राशि में है तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। ये फल दीपिका के अनुसार है। सारावली के अनुसार मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सारावली ने भी इसके बारे में कहा है कि अगर कोई शुभ ग्रह आपके वक्री हो जाते हैं, शुभ ग्रह अगर रिट्रोग्रेड हो गया तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, बलवान बन जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्र है अगर वक्री कुंडली में हो गया तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ग्रह या अशुभ ग्रह अगर कुंडली में रेट्रोग्रेड हो गया तो बहुत ही आवारा बना देगा, ये बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, सारावली में कल्याण वर्मा जी ने कहा है कि कोई भी कुंडली में आपकी शुक्र है अगर वक्री है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और कोई अशुभ है आपकी कुंडली वक्री है तो वो रिजल्ट और भी खराब देता है। भावार्थ रत्नाकर का कहना कुछ अलग है। इसमें बताया गया है कि ग्रह अगर उच्च की राशि में हो, रिट्रोग्रेड प्लैनेट, आरपी लिख रहा हूं मैं इसको, रिट्रोग्रेड प्लैनेट अगर उच्च की राशि में है तो नीच के रिजल्ट, और यही रिट्रोग्रेड प्लैनेट अगर नीच की राशि में है तो उच्च के रिजल्ट में। यह भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि अगर रिट्रोग्रेड प्लैनेट उच्च की राशि में है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, और अगर नीच की राशि में है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको इसके अंदर बताया। और उत्तर कालाग्रंथ में सिर्फ एक ही मत है कि कोई भी ग्रह अगर रिट्रोग्रेड होता है तो वो स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरा उसकी एक कंडीशन और भी होती है कि जिस भी ग्रह के साथ ये बैठा होगा रिट्रोग्रेड करने, वो उस ग्रह के 50% बल की वृद्धि कर देगा। तो उत्तर कालाग्रंथ के अनुसार कालिदास जी ने कहा है कि जो भी ग्रह वक्री होता है कुंडली के अंदर वो स्ट्रांग हो जाता है, वो अच्छे रिजल्ट देता है, और जिस ग्रह के साथ वो बैठता है उसका भी 50% बल फोर्स इंक्रीज कर देता है। तो ये तो थे कुछ हमारे डिफरेंट रिजल्ट्स जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हैं। और इसी में कुछ मैं आपको 2-3 ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो कि फॉरेन राइटर्स हैं, फॉरेन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, यूएस के हैं, यूके के हैं, जो कि बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनकी बुक्स भी हैं, तो वो भी इसके बारे में अपने कुछ विचार लिखते हैं। तो उनके बारे में भी मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कुछ विचार, मतलब लगता है कि शायद वो ठीक है। वो ये कहते हैं
एक रहे हैं एस्ट्रोलॉजर यूएस के, लेवेलिस जॉर्ज, वो कहते हैं कि कोई प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो गया, कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड हो गया तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट चला गया, पॉजिटिव इफेक्ट गॉन। कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में अगर रेट्रोग्रेड हो गया तो वो कुंडली में अगर शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपका चला गया। और कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में अगर रेट्रोग्रेड हुआ, मैलेफिक प्लैनेट, ये तो था बेनिफिक के लिए, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट आपकी कुंडली में ऐसा है, मैलेफिक प्लैनेट है आपकी कुंडली में और वो आपका रेट्रोग्रेड हो गया तो उसकी नेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहां पे आपको डिफरेंट फर्क मिला। लेवेलिस जॉर्ज कहते हैं कि कोई भी कुंडली में आपकी बेनिफिक प्लैनेट है तो वो उसकी पॉजिटिविटी चली जाएगी, लेकिन आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट मैलेफिक है और वो रेट्रोग्रेड हो गया है तो उसकी नेगेटिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इन्होंने कहा। अब इसके बारे में एक बहुत अच्छा ग्रेस इंग्लिश के नाम से एक है एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बहुत बढ़िया चीज बताते हैं और ये कई बार ऐसा लगता है कि शायद सही हो, कुछ कुंडलियों पे इसका टेस्ट किया है तो फिट भी बैठा है, तो बट इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहां पर यह शेयर कर रहा हूं, बता नहीं रहा हूं कि आप इसको कोशिश करें। इसमें यह है कि कुंडली में जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो उससे संबंधित, उस भाव से संबंधित आपके कुछ कार्य छूट जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई प्लैनेट आपका शुभ ग्रह है, आपका शुक्र है या बृहस्पति है, पांचवें भाव के अंदर प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है तो पांचवें भाव से संबंधित आपके कार्य अधूरे छूट जाते हैं, और जब वो दोबारा से रेट्रोग्रेड होगा ट्रांजिट में तब वो फल दोबारा से पूरे होंगे। तो ये इनका कहना है ग्रेस इंग्लिश साहब का। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक और एस्ट्रोलॉजर हुए हैं बहुत बड़े यूएस के, रशिया के, वो कहते हैं डोनाल्ड एच यॉर्ट के नाम से, उनका मत बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि जितने भी हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, जो प्लैनेट्स हमारे रेट्रोग्रेड होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के अशुभ कार्यों का संचित करते हैं। जो भी हमने अपने पूर्व जन्म में प्रीवियस बर्थ के अंदर कुछ भी अगर अशुभ कार्य किए हैं तो उनका जो निचोड़ है, उनका जो संचित है, उनका डिपॉजिट है, वो हमारा रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। तो यदि कहीं किसी कुंडली में हमारी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है तो इसका मतलब उस ग्रह से संबंधित पिछले जन्म में हम लोगों ने कुछ अशुभ कार्य किए थे जो कि हमारे इकट्ठे हो गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में जुपिटर बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान पिछले जन्म में नॉन रिलीजियस टाइप का आदमी था, अनरिलीजियस टाइप का आदमी था, अधार्मिक था और शायद ड्रिंक करने वाला बहुत रहा हो, ऐसे बात पे चलने वाला था अगर किसी कुंडली में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उनका यह कहना है। फिर वो ये कहते हैं कि जब जब, इसने तो बताया है कि ये पिछले जन्म में रहा होगा और जब जब ये ग्रह दोबारा ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होगा जुपिटर, तब तब उस आदमी की इच्छा फिर दोबारा ड्रिंक करने की कोशिश करेगी, इच्छा करेगी या दोबारा से उसको धार्मिक प्रवृत्तियों से अलग रहने की इच्छा करेगी। तो ये भी उन्होंने बताया कि जो भी हमारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो हमारे पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का संचित कर्म शो करते हैं, और जब भी प्लैनेट गोचर में ट्रांसिट में दोबारा से रेट्रोग्रेड होता है तो हमें उस संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के कारक से संबंधित, जैसे बृहस्पति है तो ज्ञान से संबंधित या आपके धर्म से संबंधित मार्ग से भटकने की इच्छा होगी। तो ये इन्होंने एक कहा है जो भी काफी कुंडलियों को ये ठीक बैठा है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझको नहीं मिले हैं। इसका 35% 40% रिजल्ट मुझको मिला है जो मैंने कुंडली मिला के देखा। लेकिन एक जो मैंने अपना देखा, फाइनल वर्जन में आपको बताना चाहता हूं, मेरा अपना जो व्यू था जो मैंने कई 80 हॉरोस्कोप्स पे लगाया था और उसमें सैम्पलिंग जो स्टडी की थी और उसमें 80% इसके रिजल्ट इफेक्टिव आए थे। ये वाले, इससे पहले वाला था उसके 30% आए थे, इसके 80% रिजल्ट इफेक्टिव आए थे। उसमें ये है कि कोई भी कुंडली में आपकी बेनिफिक प्लैनेट हो, बेनिफिक प्लैनेट कोई भी कुंडली में रिट्रोग्रेड हो जाए
आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट लूज हो जाएगा उसका। और कोई भी मैलेफिक प्लेनेट, अशुभ ग्रह, पाप ग्रह, ये आपका रिट्रोग्रेड हो गया तो इसकी नेगेटिविटी लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी ये एक केंद्राधिपति दोष की तरह से है कि जैसे केंद्र के मालिक होने पे, केंद्र के स्वामी होने पे ग्रह अपनी शुभता भूल जाते हैं, अशुभ ग्रह, और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से कोई भी बेनिफिक प्लेनेट अगर आपकी कुंडली में रिट्रोग्रेड हो जाएगा तो वो अपने पॉजिटिव इफेक्ट देना बंद कर देगा, सिंपल रिजल्ट देगा। और कोई अगर मैलेफिक प्लेनेट आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हो गया तो वो मैलेफिक के बजाय आपको पॉजिटिव साइड के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये एक निचोड़ है जो मैंने 80% कुंडली में देखा है, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप भी देखिए, टेस्ट करके देखिए जो मैंने कुछ मिनट बताया है ऊपर, जो मैक्सिमम आपको लगे कि आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, जिनकी स्टडी आपकी ज्यादा परसेंटेज रिजल्ट शो करे, तो उनको प्लीज शेयर जरूर कीजिए इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम लोगों को सबको सीखने का मौका मिले। और अगर मेरा आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।